नमस्कार दोस्तों, द फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। सभी को मेरा राम राम खमागणी। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास रूप से मैंने तैयार किया है और पहली बार कोशिश की है खुद से एक वीडियो क्रिएट करने की, जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके मैंने और ये वीडियो बनाया है। तो ये वीडियो होने वाला है ब्रीडिंग पे आधारित, ब्रीडिंग सेंस, ब्रीडिंग का सही चुनाव, कुछ पुराने घोड़ों को लेके, उनकी लाइन एज को लेके मैंने ये वीडियो बनाया है, ये वीडियो क्रिएट किया है। कुछ घोड़ों की वंशावली मैंने इसमें रखी है और कुछ पुराने ब्रीडर्स ने जो अपनी कड़ी मेहनत से, जो मारवाड़ी अश्व जगत में जो अपनी पूर्ण भागीदारी निभाई है, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो क्रिएट किया है, ये वीडियो बनाया है। और आशा करता हूँ कि नए लोगों के लिए, नए अश्वपालकों के लिए ये वीडियो बहुत ही सहायता देने वाला और बहुत ही समझ देने वाला ये वीडियो होने वाला है। तो पुराने और सीनियर ब्रीडर्स से मैं माफ़ी चाहूँगा अगर वीडियो को बनाते समय, कुछ इन्फॉर्मेशन देते समय मुझसे कुछ गलती रही हो, और किसी भी घोड़े के बारे में या घोड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अगर मुझसे अगर जाने अनजाने में गलत हो जाती है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो आज हम लेते हैं घोड़े हंसराज वरखाना को, और हंसराज वरखाना को लेने के लिए, ब्रीडिंग में इसका एक उदाहरण लेने के लिए मैंने इसको इसलिए चुना है कि इस घोड़े ने काफ़ी अच्छे और काफ़ी मजबूत रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए, काफ़ी फेमस रिजल्ट प्रोड्यूस किए। घोड़े ने काफ़ी कमाल का प्रदर्शन ब्रीडिंग में रखा, खुद भी काफ़ी एक मजबूत घोड़ा रहा था। तो दोस्तों, हंसराज वरखाना की अगर लाइन एज की बात करें तो वरखाना जो है वो कोई घोड़े का नाम नहीं है, वरखाना जगह का नाम है जो कि राजस्थान में पाली जिले के पास में है वरखाना। और हंसराज वरखाना ब्रीड हुआ रॉयल स्टेबल्स में, उदयपुर पैलेस में ब्रीड हुआ। इसका अबलग घोड़ा, इसका सायर था जिसका नाम था राजश्रृंगार। इसकी माँ जयकीर्ति थी। यह घोड़ी रावड़ा कोटा के काबरा घोड़े की बच्ची थी, बब्बू घोड़े की बहन थी। यह घोड़ा अपनी ब्रीडिंग के लिए बहुत ही प्रख्यात था। यह उदयपुर पैलेस के राज तिलक का सगा भाई था। इस घोड़े ने नस्ल सुधार में नस्ल को सुधार किया, मारवाड़ी अश्व जगत में अपनी बहुत अच्छी और बहुत खास भागीदारी निभाई। तो इसी सीरीज में इस घोड़े ने कुछ जो अश्व पैदा किए, कुछ नर घोड़े जो पैदा किए, उनमें से एक नाम है नागराज, बहुत ही खास और बहुत ही सुंदर घोड़ा इसने पैदा किया। हिडाल्गो, बहुत ही एनर्जेटिक मजेस्टिक हॉर्स हिडाल्गो, शौर्य जो कि एक अबलग घोड़ा था, एक जडेजा जी उसके ऑनर थे, हंसदेव, सिकंदर, शेरा, एकलिंग बख्श, रुद्र और कुछ मादा अश्व इसने जो पैदा किए, जो घोड़ियां पैदा की इसने, उनमें से नाम है पवन, अलबेली, राजरूप, कोहिनूर और एक नज़र। तो इस प्रकार दोस्तों, कुछ शानदार रिजल्ट्स के साथ हंसराज वरखाना ने मारवाड़ी अश्व जगत में ब्रीडिंग में अपना बहुत ही खास और बहुत ही अहम जो है रोल निभाया, भागीदारी निभाई। हंसराज वरखाना ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स मारवाड़ी अश्व जगत को दिए। उसमें काफ़ी अहम भूमिका जो है वो मारवाड़ी अश्व जगत के ब्रीडर्स की रही, जिन्होंने सही चुनाव किया घोड़ों का और घोड़ियों का ब्रीडिंग के लिए, और उससे पैदा हुए ये शानदार घोड़े और घोड़ियाँ जो आगे जाके भी मारवाड़ी नस्ल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मारवाड़ी नस्ल को सुधारने में अपना अहम रोल निभा रहे हैं, अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। बहुत ही अच्छा और
शानदार जो है इसने रिजल्ट प्रोड्यूस किया। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम ब्रीडिंग के एक दूसरे गड को और दूसरे एक बड़े ब्रीडर जिनका स्थान बड़े ब्रीडर्स में रखा जाता है हमेशा, पोसाणा को लेते हैं। पोसाणा में पैदा हुआ परामंस पोसाणा जो कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, काफ़ी शानदार रिजल्ट प्रोड्यूस करता है और जाना जाता है अपने दमदार रिजल्ट्स के लिए। तो लाइन की अगर बात करें तो सायर्ड बाय सुंदर और डैम उसकी केसर है। दोस्तों ये आप लोगों के साथ शेयर करने का यही कारण है कि आप लोग डैम और सायर को देखें, घोड़े के रिजल्ट को देखें और ब्रीडिंग के उस सेंस को समझें जिन्होंने अपने पूरे जीवन को मारवाड़ी अश्व जगत में ब्रीडिंग में लगा दिया और अपनी समझ बूझ को उन्होंने उसमें लगा दिया, तो उनसे हम कुछ समझ सकते हैं। तो वीडियो को बनाने का खास तौर पे एक यही कारण था कि घोड़े के डैम और सायर के फोटोज़ मैंने शेयर किए हैं, रिजल्ट्स मैंने शेयर किए हैं। चलते हैं पोसाणा की ही दूसरी ब्रीड राजहंस, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत एक नायाब घोड़ा राजहंस भी पोसाणा में ब्रीड हुआ। राजहंस की बनावट और उसकी सुंदरता के लिए ये घोड़ा विख्यात है, प्रख्यात है, फेमस है। बहुत ही कमाल का ब्रीड किया घोड़ा राजहंस जो है, जिसके सायर राज तिलक पैलेस लाइन के अबलग घोड़े रहे और इसकी डैम रही लैली जो कि देवली लाइन से बिलोंग करती है। तो पैलेस लाइन और देवली लाइन का ये कॉम्बिनेशन इतना कमाल का है और उसके कुछ रिजल्ट्स भी मैंने आपको शेयर किए हैं जैसे बिग जैस्पर और ये सब। उसी कड़ी में पोसाणा के ही स्टेबल्स के खास घोड़े जो कि वहाँ ब्रीड हुआ दिलबाग की हम बात करते हैं। दिलबाग भी पोसाणा में ब्रीड हुआ, बहुत ही खास मारवाड़ी अश्व जगत में बहुत ही खास भूमिका निभा रहा है दिलबाग। दिलबाग सायर्ड बाय अलीशान रोहटगढ़ और डैम इसकी गजगामिनी के साथ कुछ दिलबाग के रिजल्ट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ जिसको देखकर आप आइडिया लगा सकें। और अब आता है मारवाड़ी अश्व जगत में बहुत ही खास और बहुत अहम भूमिका निभाने वाला घोड़ा काला कांटा जो कि आदरणीय सवाई सिंह जी के यहाँ ब्रीड हुआ, जैसा स्टेट फार्म में ब्रीड हुआ। आलीशान का ये बेटा है और इसकी डैम है कावेरी। आलीशान जो कि मारवाड़ी अश्व जगत में काफ़ी अहम भूमिका निभाता है घोड़ा, आलीशान अगर को हटा दें तो मारवाड़ी अश्व जगत से काफ़ी हिस्सा हट जाएगा ऐसा कह सकते हैं। तो आलीशान ने मारवाड़ी अश्व जगत को बहुत नायाब और अच्छे अश्व दिए जिनमें से काला कांटा है। तो काला कांटा के कुछ रिजल्ट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ जिसमें से बाबा बालकदास जी अलवर वालों के पास में जो ये काला कांटे का ये बच्चा है जिसका टेम्परामेंट काफ़ी कूल है, काफ़ी स्वामी भक्ति है इस घोड़े में। तो जैसा स्टड फार्म में ब्रीड हुआ काला कांटा, आप लोगों के साथ रिजल्ट्स और इनके सायर और डैम की फ़ोटोज़ शेयर करने का मकसद सिर्फ यही है कि नए अश्वपालक ब्रीडिंग के सेंस को समझ पाएँ और पुराने ब्रीडर्स और सीनियर ब्रीडर्स की इस मेहनत को अगर आप लोग भली भांति समझ पाएँ तो आप लोग ब्रीडिंग में काफ़ी अच्छा अपना योगदान आगे जाके दे सकते हैं, काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग सेंस आप लोग के अंदर आ सकता है। नए अश्वपालकों की बात है, पुराने अश्वपालक जो हैं वो अपने हिसाब से अपनी ब्रीडिंग ऑलरेडी कर रहे हैं और मेरे मुंह से वो सब बातें बोलना छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो मैंने नए लोगों के लिए और जो लोग इन्फॉर्मेशन
कलेक्ट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो काले कांटे का ब्रीड होना जैसा स्टड फार्म में हुआ, और इसका सायर जो था अलीशान रोहितगढ़, और इसकी डैम थी कावेरी। बहुत ही अच्छे अश्व, और अश्व जगत में काफ़ी महंगी अश्वों की लिस्ट में आने वाला घोड़ा काला कांटा। और अगला नाम आता है पार्थ का, और ये रही जैसा स्टड फार्म की अगली ब्रीड, घोड़ा पार्थ। स्टेलियन पार्थ भी जैसा स्टड फार्म में ही ब्रीड हुआ। इसका सायर जो था प्रभात, और इसकी डैम जो है कीर्ति रही जैसा स्टड फार्म की, काफ़ी खूबसूरत घोड़ी रही। और ये पार्थ का कुछ एक रिजल्ट जो मैं आप लोगों के शेयर कर रहा हूँ प्रथम। और फिर आता है जैसा स्टड फार्म में ही ब्रीड हुआ घोड़ा देव। देव घोड़ा मारवाड़ी अश्व जगत का काफ़ी फेमस घोड़ा रहा है, और ये भी जैसा स्टड फार्म में ही ब्रीड हुआ। देव सायर्ड बाय प्रभात, डैम आलमारा, इसका जो सायर है वो प्रभात रहा, और इसकी जो माँ रही वो आलमारा रही। तो दोस्तों, आलमारा की जो पेडिग्री है वो आलमारा जो है तूफ़ान की बेटी है और लेली की बेटी है, तूफ़ान और लेली की बेटी है आलमारा। और ये शुरुआती रिजल्ट्स में से है, देव के कुछ शुरुआती रिजल्ट्स में से एक है जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और बाकी आप लोग भली बात ही जानते हैं कि देव के रिजल्ट्स कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे हैं। आलमारा जो है उसने मारवाड़ी अश्व जगत को काफ़ी सुंदर अश्व दिए। और सप्ताश इसी कड़ी में आता है, जो कि बहुत ही मजबूत और बहुत ही खास घोड़ा, जो कि जैसा स्टड फार्म में ही हुकम सवाई सिंह जी के यहाँ पे ब्रीड हुआ काला काटा। इसका सायर है और आलमारा इसकी डैम है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि घोड़ों के रिजल्ट में उनकी माँ का कितना बड़ा योगदान होता है। किसी भी घोड़े का ब्रीड होना, किसी भी घोड़े का वो किस तरह का ब्याता है, वो किस तरह के बच्चे पैदा करता है, इसमें फादर का तो रोल कहीं ना कहीं है ही, लेकिन अहम भूमिका जो कोई भी घोड़ा अपने बच्चे पैदा करने में रखता है वो है उसकी डैम, कि उस घोड़े की माँ। तो इसी कड़ी में आता है जैसा स्टड फार्म में ब्रीड हुआ घोड़ा अभिजीत। अभिजीत सायर्ड बाय पार्थ, पार्थ प्रभात और अश्वकीर्ति का रहा, और इसकी डैम जो रही वो आलमारा, आलमारा तूफान और लेली की, ब्रीड बाय जैसा स्टड फार्म, हुकम सवाई सिंह जी रणसी। दोस्तों, काफ़ी अच्छे और बेशुमार बेशकीमती अश्व पैदा करने वाले ये ब्रीडर जैसा स्टड फार्म, जिन्होंने काफ़ी अच्छे अश्व मारवाड़ी अश्व जगत को दिए। बहुत ही खास घोड़ा पर्सन भी इसी लिस्ट में आता है, जो कि रीसेंट में प्रेजेंट में जैसा स्टड फार्म में ही स्टेबल है। पर्सन सप्ताश और कामिया का बच्चा है। दोस्तों, परसेन काफ़ी सुंदर रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, और एटीट्यूड में इसका कोई सानी नहीं है। इसका रुबाब, इसका मारवाड़ी होने का जो स्टैंडर्ड, इसके फीचर्स, मारवाड़ी कैरेक्टर्स काफ़ी कमाल के हैं दोस्तों। बहुत ही सुंदर ये घोड़ा है। और अब आता है घोड़ा हिडाल्गो। हिडाल्गो काफ़ी मजबूत घोड़ों की लिस्ट में आता है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूसर घोड़ों की लिस्ट में आता है। हंसराज वरखाणा का बहुत खास ये रिजल्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा मारवाड़ी अश्व जगत में हिडाल्गो का है। और हिडाल्गो रघुबना रणकपुर के यहाँ पे ब्रीड हुआ, और अभी जो है वो हुकम सिंह जी उसके ऑनर हैं, निर्मल बना उसके ऑनर हैं अभी। हिडाल्गो
जो मारवाड़ी अश्व जगत में जो लोग ब्रीड कर रहे हैं और जो लोग मारवाड़ी अश्व जगत में अश्व पालन कर रहे हैं उनको पता है कि हिडाल्गो किस प्रकार से रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है और खुद कितना एनर्जेटिक ये घोड़ा है, क्योंकि लाइन एज काफ़ी स्ट्रॉन्ग चली आ रही है पीछे से। तो इसके सायर की अगर बात करें तो हंसराज वरखाना और डैम इसकी छोटी सुल्ताना, बहुत ही खूबसूरत घोड़ी छोटी सुल्ताना। और अब आती है पैलेस लाइन की एक दूसरे खास रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाले घोड़े की, जिसका नाम है गजराज, सायर्ड बाय राज तिलक और डैम इसकी जमुना। काफ़ी सुंदर अश्व मारवाड़ी अश्व जगत को ये भी घोड़ा दे रहा है। जहाँ मैं कह रहा हूँ कि कोई घोड़ा सुंदर और मजबूत अश्व पैदा कर रहा है, वहाँ पे आप गारंटी से आप जाके चेक कर सकते हैं कि उस घोड़े की प्रोजनी किस तरह की है, वो घोड़ा किस तरह का रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। और बहुत अच्छे प्रोड्यूस करने वाले घोड़ों में से एक है गजराज, जिसका रिजल्ट है वीरध्वज, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ उसका फोटो। और वीरध्वज अगेन सुल्ताना का बच्चा है और गजराज का बच्चा है, तो गजराज उसका सायर हो गया वीरध्वज का और डैम होगी सुल्ताना। तो बहुत ही सुंदर बच्चा। और अगर इतने सारे नर घोड़ों की अगर बात हो रही है तो मादाएं क्यों पीछे रहे हैं, तो उसमें से एक खास घोड़ी मारवाड़ी अश्व जगत की, मारवाड़ी ब्रीड की तामझाम, जो कि बहुत खास लाइन का घोड़ा अलीबाबा, जिसका सायर है और उसकी डैम है मोहर, बहुत ही अच्छी घोड़ी। अगला और खास नाम आता है कैलवा स्टड फार्म में ब्रीड हुआ घोड़ा रूप, जो कि सिद्धराज का बच्चा है, पैलेस लाइन का ये घोड़ा है और इसकी माँ जो है वो है सुंदर। तो सुंदर और सिद्धराज का ये बच्चा है, रूप है इसका नाम और काला अबलक ये घोड़ा है। काफ़ी सुंदर नेक करेज और मारवाड़ी कॉन्फर्मेशन के साथ ये घोड़ा अपनी प्रेजेंटेशन देता है। अगला नाम आता है केसरिया का, देव दरबार लाइन का घोड़ा, अति सुंदर का बेटा और केसर का बेटा। तो कहीं ना कहीं केसरिया को लिस्ट में रखने का कारण इसकी डैम और इसका फेमस स्टैलियन रहा है। डैम के कारण, क्योंकि डैम और सायर साइड से घोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो रिजल्ट्स आप लोग केसरिया के देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है केसरिया। मैं कुछ फ़ोटोज़ आप लोगों के साथ शेयर भी कर सकता हूँ, जिसमें से एक फीली ये है। और तो बात शुरू हुई पैलेस लाइन से, तो बात ख़त्म भी पैलेस लाइन पे ही होगी। और दोस्तों, पैलेस लाइन का ओरिजिन की शुरुआत करने वाला ये घोड़ा, बहुत ही खास घोड़ा राज श्रृंगार, जो कि इसकी लाइन है पैलेस लाइन। और लाइन बनी कैसे उसको आपको डिटेल में हम बताते हैं। बनासकांठा के फोरना गांव में हरि सिंह जी वाघेला के यहाँ पे ये घोड़ा ब्रीड हुआ, पैदा हुआ। इस घोड़े का जो सायर था वो लाल अबलक घोड़ा था, जो कि चंदलाज बाग में था, चंदलाज बाग में था। और माँ इसकी फोरना में एक पुरानी घोड़ी थी, फोरना ही गांव में, और दादा इसका कुमेद घोड़ा रहा, और दादी लाडली ओद की इसकी घोड़ी थी। बनासकांठा और उदयपुर में काफ़ी खास ब्रीडिंग इस घोड़े ने की, काफ़ी सुंदर ब्रीडिंग और काफ़ी महत्वपूर्ण ब्रीडिंग इस घोड़े ने की, और जिसमें से कुछ खास घोड़ों के नाम राज तिलक और हंसराज है, जो कि पैलेस लाइन के घोड़े हैं और यहीं से पैलेस लाइन की शुरुआत हुई। राज श्रृंगार की एक बहुत ही सुंदर बच्ची तरंगी हुई, जो कि काफ़ी फेमस रही। और
पैलेस लाइन जो है दोस्तों, वो अपनी सुंदरता, अपनी हाइट, टेम्परामेंट और स्वामी भक्ति के लिए जाने जाने वाली लाइन है। पैलेस लाइन बहुत ही अच्छी भूमिका निभाती है मारवाड़ी अश्व जगत में। बहुत ही सिलेक्टेड, बहुत ही खास ब्रीडिंग ये लोग, ये घोड़े मारवाड़ी अश्व जगत को दे रहे हैं। काफ़ी सुंदर अश्व दे रहे हैं और मारवाड़ी अश्व जगत में जहाँ पे काफ़ी सारी लाइन्स है, वहाँ पे एक खास लाइन पैलेस लाइन भी है। और पैलेस लाइन का ये घोड़ा राजश्रृंगार जो हाइट के लिए जाना जाता है, आप देख सकते हैं वीडियो में, फोटो में जिस तरह की इसकी हाइट है, तो उसी प्रकार से इसने आगे ब्रीड किया और अभी भी घोड़ों में, पैलेस लाइन के घोड़ों में हाइट बरकरार है, सुंदरता बरकरार है। सो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी, तो वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।